लालकुआ निकटवर्ती डॉली रेंज क्षेत्र के खमारी खत्ते में हाथियों दल ने बीती रात्रि गुज्जरों की झोपड़ी को नुकसान पहुंचाने के साथ घर में रखे बर्तन को तोड़कर तहस नहस कर दिया है। वहीं बीते कुछ दिनों से दिन भर जंगल में रहने के बाद जंगली हाथी शाम ढलते ही पास के खत्तों में पहुंचकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी और झोपड़ियों में तोड़फोड़ से ग्रामीणों में दहशत है। जंगल के पास वाले कई खतों के लोग रत जगह करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बताते चले कि बीती रात्रि बिंदु खता के डॉली रेंज क्षेत्र के खमारी खत्ते में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। वन विभाग को इन हाथियों गतिविधियों की सही जानकारी नहीं मिलने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खमारी खत्ते में बार बार जंगली हाथियों के हमले से लोग प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर शनिवार की रात्रि खमारी खाते के गुलाब नबी याकूब उर्फ मक्खन सिंह की झोपड़ी को तोड़ दिया। इस दौरान मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। हाथियों का झुंड बीते कुछ दिनों से खत्ते में विचरण कर रहे हैं, जो उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे खत्ता, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। क्या है परेशानी आपको? ये जंगल में परेशानी साहब, हाथी घर तोड़ रहा, लाइट की कोई सुविधा नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से? लाइट की भी मांग करी हमने, जो और भी हमारी सुविधा करे, जैसे खत्तों में नहर निकली है पूरी हमारी जमीन के किनारे, घरों के किनारे। तो अभी तक क्या आपके यहाँ सुविधा मिली है? कुछ भी नहीं मिली है अभी तक तो। कैसे डर के साए में रहते हैं, कितनी परेशानी है? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कितना डर लगता है, कैसे परेशानी मिलती है? हाँ, अब हम आग का उजाला करके रहते हैं, उस आग का उजाला क्या होगा, कुछ भी नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? और वही लाइट की मांग करी हमने, और अपने घरों के डर, हमारे कोई सुविधा हो ऐसी हो जाए जो कि जान पर अंदर ना आए। शेर अली और बाबू गुजर, इमली घाट ढोरा डाम से। क्या परेशानी है? समस्या यहाँ है ये है कि हाथियों का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, और यहाँ सब गरीब परिवार हैं, इनके पास यहाँ ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना वन विभाग की ओर से कोई इन लोगों को सुरक्षा मिल रही है। पूरी रात से वन विभाग को फ़ोन किए जा रहे हैं, कोई वन विभाग का कर्मी अभी तक यहाँ नहीं पधारा है। मौके का अधिकारी यहाँ रेंजर है, रेंजर को इन गरीब व्यक्तियों को अभी तक आके यहाँ देखना चाहिए था, इनकी स्थिति देखनी चाहिए थी, कोई व्यक्ति अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। क्या मांग कर रहे हैं बाबू? खाई कितनी चाहिए? मांग क्या हो सकता है, खाई अगर खुदवाई जाए तो खाई से हमारे जो दो दो चार चार जानवर हैं इन गरीब व्यक्तियों के, वो जानवर खाइयों में गिर के मर जाएंगे। अगर रात को टाइम बेटाइम हाथी आ जाता है तो उन खाइयों में जानवर गिर के मर जाएंगे। सूर्य ऊर्जा लाइटें हों, उससे एक सारे परिवार के अगल बगल एक करंट तार की व्यवस्था हो जाए, उससे जानवरों को झटका लग जाए, हाथी भी सुरक्षित रहे, उसे भी कोई दिक्कत ना हो और परिवार थोड़ा सा सेफ हो जाए।